हेलो, मेरा नाम इंस्पेक्टर खान है। पुलिस को मेरी तलाश है और मुझे मरियम नवाज की मेरे खिलाफ इलेक्शनों में खड़ी हुई है वो। अगर कल तक मरियम नवाज मुझे नहीं मिली तो इस बस्ती में ऐसी आंगे मैं लगाऊंगा जिंदगी भर लोग तरसेंगे बाहर निकलने को। नमस्ते भाइयों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुनील शेट्टी साहब, ये जो बैंसे हैं ये आपकी हैं? अपनी समझो, अपने दोस्त की है, मतलब अपनी है। लेकिन ये बैंस जो आप देख रहे हैं ना, इसकी कीमत 4 करोड़ है। ये पकड़ लो माइक आप। इसकी कीमत 4 करोड़ है। लेकिन अगर कोई बाहर से आदमी आता है ना इसे देखने के लिए, परेशान हो जाता है, सोचता है इतनी बड़ी भैंस की कीमत 4 करोड़, इतनी महंगी क्यों है? ये महंगी इसलिए ये एक दिन में 50 किलो दूध निकालती है। 50 किलो दूध निकालती है। हाँ, आप हंस रहे, मजाक समझ रहे, लगता मेरा मजाक उड़ा रहे। देखिए इसे गौर से देखिए, ये खाती कम है, दूध ज्यादा निकालती है। एक दिन में कितना दूध देती है? 50 किलो खालस दूध आएगी। बिना पानी के। माँ कसम, बिना पानी के। किस तरह किलो है ये दूध इनका? क्यों, इनका दूध किस तरह किलो है वो आप छोड़ दीजिए। नहीं, बताओ। उनका काम है बेचना, हमारा नहीं। फिर भी मैंने कहा ना ये काम उनका है, हमारा काम है सिर्फ पूछना कि कितना निकाला आज के दिन में। हाँ, अब आप ये पूछना चाहते थे कि मैं कौन हूँ? खासियत है, कमाल है। आप तो इस तरह पूछे जैसे आप गांव से आए हैं। देखिए इसका कद, देखिए इसके पाँव, हाँ कितने बाजनी है। अगर इसके साथ बड़ी से बड़ी गाड़ी भी टकरा जाए ना तो टुकड़े हो जाएंगे उसके। अगर इसे खरोच भी नहीं आएगी। हाँ, नहीं, खरोच क्यों नहीं, जानवर है, सबको आती है। अरे नहीं, जानवर हो तो आए ना, हैवी किस्म का जानवर है। यह हवेली कितनी पुरानी है? यह हवेली कम से कम 30 साल पुरानी है। अच्छा। लेकिन देखने में लगती नहीं है ना। ये जो भैंसे हैं, इनका इनका दूध किस तरह इस इलाके में, क्या क्या मसलन की अच्छा क्वालिटी है, क्या है? खालस दूध, बिना पानी के खालस है ये। कब से ये चल रहा है? ये तकरीबन 20 साल से। हाँ, किस तरह दूध किलो है इनका जो है? इनका ये 160-170 हो जाता है। इससे ऊपर नहीं। हाँ, आप कहीं भी चले जाएं, कई भैंसों वाले आप देखेंगे, लोग आते दूध लेने के लिए, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आइए प्यार से लीजिए चाहिए ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं खालस दूध है, लोग इधर आते हैं प्यार से? मैंने कहा ना, एक लंबर है। 170 रुपये किलो बता। हाँ, 170। लेकिन अगर प्यार का आदमी हो तो 150 में भी दे देते। कितनी भैंसे आपके पास इधर मौजूद? यही को कम से कम यही 10-12 होंगी। कितनी? 10-12। 10-12 जी, ज्यादा है। अरे नहीं। अच्छा, ये जो हवेली है, आप इधर क्या करते हो? मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ। और सबसे खासियत वाली बात आपको बताऊं, कुछ आवाज आई खरकने की है ना, ऐसे लगता है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है क्योंकि बाहर से आए तो ये गिर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी है। आपको मैंने बताया ना, 30 साल पुरानी हवेली है ये, देखिए। लेकिन ये गिरेगी नहीं। हाँ, इसका जो मालिक है ना, एक लंबर का आदमी है। अच्छा, कोई डायलॉग बताएं, कोई अच्छा सा डायलॉग सुनील शेट्टी की फिल्म का। हाँ, क्यों नहीं। हेलो, मेरा नाम इंस्पेक्टर खान है, पुलिस को मेरी तलाश है और मुझे मरियम नवाज की मेरे खिलाफ इलेक्शनों में खड़ी हुई है वो। अगर कल तक मरियम नवाज मुझे नहीं मिली तो इस बस्ती में ऐसी आंगे मैं लगाऊंगा जिंदगी भर लोग तरसेंगे बाहर निकलने को। नमस्ते भाइयों। अच्छा, कोरोना के वाले से क्या करें? जो कोरोना चल रहा है, लोगों को मास्क पहनना चाहिए? अरे नहीं, बकवास है ये सब झूठ है। ये तो हम गरीबों को बहकाने की बातें कर रहे हैं। अरे, मास्क की मतलब जानते हैं? मास्क का मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, जो घरों में सांस नहीं ले पाते, वो मास्क के बगैर कैसे चलेंगे बाहर। अगर उन्हें मास्क लगा दिया जाए, वो तो वक्त से पहले
भगवान के पास चले जाएंगे ना। ये गलत बात है, किसी गरीब को दरबाना गलत बात है। आपके कहना चाहते तो मार्क्स नहीं लगाना चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, जिंदगी देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, ये तो बस एक खर्चा है, जितना भी बता लो। हुकूमत का काम है हम गरीबों को डरा कर हमारी जेबों से मार निकालना, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ना नारीन बहुत शुक्रिया।